अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी, जानवी ओके, तुम ठीक तो? कौन कौन है ये औरत? क्या बच्चा बच्चा क्या 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 लगा रखा है ये? अरे नहीं, कोई नहीं, ये पागल औरत है, पागल खाने से भाग के आई है। सच में ये देखो ना, कपड़े देख के नहीं लग रहा। आप लोग प्लीज, आप लोग शादी जारी रखिए, मैं इसको संभालता हूं। पुष्कर भैया। जानवी कुछ मत कहना, चाहे कुछ भी हो जाए शादी रुकनी नहीं चाहिए, इसकी चिंता मत कर, मैं संभालूंगा। शीर्ष, कहीं ये औरत अनुष्का तो नहीं जो जानवी से अपना बच्चा मांग रही है? मुझे नहीं लगता उज्वला, अगर ये औरत कियान की माँ होती तो रेवा और दादी जी कुछ तो बोलती, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हिच साची, अबे तुम्हें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी थी, कैसे बाहर के लोग इतनी आसानी से अंदर आ गए? जाओ ताकि देखो। मैं जाता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर डी ने रिपोर्ट्स रेडी है क्या? जी मैम, बस अभी अभी लैब से आई है, मैं खुद रिपोर्ट्स लेकर होटल आ रहा हूँ, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप प्लीज जल्दी से लेके आ जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रही हूँ। शादी की सारी विधियाँ पूरी होने से पहले इस सच का पता लगाना बहुत जरूरी है। बस 10 ही मिनट में पता चल जाएगा कि आखिर कियान का पिता है कौन। हे भगवती माँ, हमारी रक्षा करना। इस अजीब सी रुकावट के लिए बुंदेला परिवार की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। पंडित जी, फेरों की विधि फिर से शुरू कीजिए। आइए बेटी, पुनः फेरे शुरू करते हैं। कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? जानवी, जानवी पंडित जी तुम्हें फेरों के लिए बुला रहे, फेरे पूर्ण करने हैं, आओ बेटा। जानवी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, हमारी जानवी थोड़ी नरम स्वभाव की है, वो अचानक से वो औरत आ धमकियो ना तो डर गयो बेचारी। जानवी बिटिया, ये रुकने का समय ना है, अब तो ये जीवन में आगे ही बढ़ना है। जो बीत गया सो भुला दे, चल उस लड़की के लिए फिर से अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर बिटिया। आइए शीघ्रता से फेरे शुरू करते हैं। बस बस सब ठीक है, चल आजा बिटिया फेरे शुरू कर, आजा जल्दी से फेरे लो, तभी तो वो मेरे पापा बनेंगे और वो और मेरी फैमिली बनेंगे। जल्दी करो ना जान, प्लीज। आ जाओ। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं।
याद है ना बेटा, आखिरी फरे के समय ये अक्षत तुम्हें देना है और तुम्हारी माता जी को अग्नि में अर्पण करना है। पुष्कर भैया, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए पुष्कर भैया। चुप एकदम। क्या बच्चा 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 रट लगाए बैठी हो? और ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है अपना? पागलखाने में थी क्या? 5 साल पहले हमारे गरीब जैसे सीधे साधे परिवार को छोड़कर तुम गई, हमारे साथ नाता तुमने तोड़ा, अब वापस क्यों आई हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? ये क्या बच्चों जैसी रट लगा के रखी है? बच्चा कौन सा बच्चा? वही बच्चा जिसको मैंने देहरादून में जन्म दिया था। तेरा बच्चा कोई अनाथ आश्रम में नहीं है, तेरा बच्चा यही है। जानवी ने खुद उससे पाला है। मिलना चाहेगी? यान, मामा, मामा, सिंदूर मिल गया क्या? मेरा बेटा है। ये क्या कर रही हो आप? मुझे अपना बेटा क्यों कह रही हो? कि तुम मेरे बेटे हो बेटा। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जान मेरी माँ है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये रॉन्ग आंटी, इनसे कोई बड़ी मिस्टेक हो रही है। कियान, जान तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ अनुष्का है, इसने तुम्हें जन्म दिया। जाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, मुझे मेरी जान के बाद जाने दो। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। नहीं, मुझे जान के बस जाने दो। छोड़ो। मैं नहीं जाने दूंगी। सुन, तुझे बच्चा चाहिए था, तुझे बच्चा दे दिया। अब इससे पहले कि इसे तू फिर से खो दे, जाए यहां से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।